चल उसको तोड़। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे थे, विशाल भाई मैं क्या लूँ, PS5 लूँ या PS4 लूँ, मेरे को किस में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, मतलब मेरे को क्या चीज़ लूँ जिससे मेरा पैसा वेस्ट ना हो। विशाल भाई आप मुझे बताओ, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हो चुका हूँ, बहुत सारी वीडियोज़ देख रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई बोल रहा है PS5 लो, कोई बोल रहा है PS4 लो, तो क्या करना चाहिए मुझे बता दो गाइस, ठीक है। क्योंकि 2022 में किस में हम पैसा डालें जिससे हमें अच्छी गेमिंग हो सके, अच्छी चीज़ें हम ले सकें, पैसा भी ख़राब ना हो, तो वो सब कुछ आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को दिख रहे हैं, बस PS5 अवेलेबल है, जिसको ऑर्डर करना हो कर सकते हैं गाइस, ठीक है। और अगर आप लोगों को PS5 लेना है या PS4 लेना है, कन्फ्यूज़ हो, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, चैनल को अभी कर देना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक, और चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गाइस मैं आप लोगों को बताता हूँ PS5 में क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है गाइस, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे PS5 लूँ या PS4 लूँ, तो मैं आपको साफ साफ टाइम न वेस्ट करते हुए एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के पास कितने पैसे हैं, आपका बजट कितना है। सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि आपके पास बजट कितना है। अगर आप PS5 लेना चाहते हैं तो मे बी कम से कम 50,000 तो होगा ही, है ना, 50,000 तो होगा अगर आप PS5 के बारे में सोच लिए हैं तो। सोचने का मतलब होता है कि 50,000 आपके अकाउंट में है या फिर आपके हाथ में है। तो अगर आपके हाथ में 50,000 रुपये अवेलेबल है आपके पास, तो गाइज आप PS5 लेने से अच्छा PS4 लें, ये मेरा रिजल्ट है, अभी बता दे रहा हूँ। रिजल्ट मेरा यही है कि आप PS4 प्रो ले लें। क्यों? क्योंकि यार आप लोग अगर अभी देखेंगे 2022 में, 2022 में कि अभी क्या चल रहा है, आप कुछ साल पहले अगर हम जाएं तो आप लोग को पता चलेगा, आप लोग देखेंगे कि पहले आपने अगर देखा हो तो PS2 जो था पहले इतना मोटा था, पहले जो फर्स्ट मॉडल निकाला था PS2 का इतना बड़ा, और PS3 के साइज का था, तो वो था फर्स्ट मॉडल। फिर सेकंड मॉडल आया तो पतला कर दिया उसको, ठीक है, और अच्छा कर दिया, उससे अच्छा था स्लिम वाला। जैसे कि अभी आप PS3 देख रहे हैं, PS3 में सुपर स्लिम मॉडल है, उसके बाद स्लिम मॉडल है, उसके बाद फैट मॉडल था, तो फैट मॉडल काफ़ी बड़ा था, उसमें प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती है, आपको पता है फैट मॉडल में प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती हैं, ठीक है। उसके उससे कम आता है स्लिम में, सबसे कम आता है सुपर स्लिम में, क्योंकि सुपर स्लिम यार आप लोगों को पता है कंपनी ने पूरा शोध कर लिया, पूरी खोज कर ली क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो अगले वाले मॉडल में प्रॉब्लम ना आए ये सारी चीज़ें करके देती हैं, ठीक है कंपनी। तो अभी आपको पता होगा PS4 जो कि फैट मॉडल है, आप लोग सोचे होंगे या फिर देखेंगे या फिर पता होगा आप लोगों को कि PS4 फैट में और प्रो में और स्लिम में बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि PS4 फैट में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, हीटिंग की प्रॉब्लम आती है, ब्लू लाइट की, PS4 में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं गाइस, ठीक है। उससे कम आती है स्लिम में और सबसे कम आती है प्रो में गाइस, क्योंकि प्रो यार ऐसा चीज़ है ना, क्योंकि 4K गेमिंग कराती है, क्यों इसमें क्यों नहीं है PS4 में, क्योंकि यार ये पहला मॉडल था, पहला मॉडल तो टेस्टिंग मॉडल होता है, उसमें टेस्ट कराया जाता है कि PS4 एक्चुअल में ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, गेम्स रन हो रही है नहीं हो रही, सब कुछ देखा जाता है। देन उसके बाद लॉन्च करते हैं, लॉन्च करके ऑडियंस से पता करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं कुछ साल के बाद, क्या प्रॉब्लम आ रही है। देन उसके बाद दूसरा मॉडल निकालते हैं, उसके बाद निकाला उन्होंने स्लिम मॉडल, इससे अच्छा निकाला, बेहतर निकाला, आप लोगों को पता हो। फिर उसके बाद निकाला 4K, क्योंकि उन लोगों को पता था कि यार 1080p में तो सारी गेम्स चलती हैं, सब कुछ चलता है, PS3 तक चलता है, तो क्यों ना 4K किया जाए, तो PS4 Pro को उन्होंने 4K कर दिया, ठीक है। अब आप PS5 में भी 4K अवेलेबल है, तो एक चीज़ आप देखना, सोचना थोड़ा सा दिमाग लगा के कि PS4 में जो नॉर्मली आप चलाओगे, नॉर्मल टीवी में चलाओगे तो 1080p में चलता है, ठीक है। अगर आप PS5 को चलाओगे तो सीधा नॉर्मली 4K में चलता है, ठीक है। अगर आपका PS4 प्रो है, अगर आप उसको चला रहे हो अपने टीवी में, तो 1080p में चलेगा, लेकिन 4K में चलेगा, क्योंकि आपका अगर टीवी 4K है तो वो 4K में भी सपोर्ट करता है, चलता है, ठीक है, प्रो मॉडल, ठीक है। आप लोगों को पता होगा, बॉक्स में भी देखा होगा, लिखा होगा, आप सबको जानते हो। तो जो PS5 है इसका एडवांटेज यही है कि ये कोई 1080p वगैरह में सेट नहीं होता, सीधा 4K में चलता है। अगर आप टीवी 4K है, टीवी आपका 1080p में, तो 1080p में चल जाएगा। तो अगर आप एक चीज़ देखना चाहेंगे PS4 Pro और PS5 का, 4K जो रेजोल्यूशन होते हैं, 4K जो क्लियरिटी होती है, 4K जो ग्राफिक्स होता है, जो भी होता है गाइस 4K होता है, वो आप लोग देखेंगे PS4 Pro में और PS5 में, तो बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई देगा आप लोगों को। अगर नहीं तो आप जाके कहीं गेमिंग जोन हो, आप लोगों को पता हो PS4 वहाँ पे प्रो चल रहा है, बहुत कम है, हालांकि जो PS4 प्रो चला रहे हो या फिर PS5 चला रहे हो, फिर भी अगर आप पता करना चाहें, या जहाँ आप खरीदने जा रहे हैं अगर शॉप वगैरह में अवेलेबल है,
तो आप चला करके एक ही टीवी में चेक करना कि एक्चुअल में PS4 प्रो और PS5 का जो 4K है वो कैसा है, कोई डिफरेंस है या नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा अंतर आने वाला है आपके PS4 के और PS5 के 4K रेजोल्यूशन में चलाकर देखोगे तो बहुत ज़्यादा अंतर आने वाला, ठीक है। तो गाइज इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लोग PS5 लेना चाहते हो तो PS5 ले सकते हो, लेकिन ये याद रखना और ये ध्यान में रखना कि यार ये अभी जो है फैट मॉडल है, टेस्टिंग मॉडल में है, कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं या नहीं आ रही, क्योंकि मुझे पता है अभी जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होंगी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगे सब में ही, और जैसे ही बरसात का मौसम होगा वैसे तो मतलब क्या बताऊँ, रिपेयरिंग में सारे के सारे PS को जाना ही है, ऐसा होता है, मतलब सारे नहीं 30% तो जाते ही जाते हैं रिपेयरिंग में, क्योंकि बारिश का जैसे ही मौसम आता है नमी आ जाती है, नमी इन सब में आता है तो प्रॉब्लम आती है। और जैसे कि आप PS5 देख रहे हो तो ये हीटिंग ज़्यादा करती है, हीट ज़्यादा होता है तो गर्मियों के मौसम में भी प्रॉब्लम आ जाती है ऐसा, ठीक है, देखा जाता है गर्मियों में प्रॉब्लम आती है फैट मॉडल्स में। तो अगर आप PS5 लेना चाहते हो तो ले सकते हो, जिसको गिफ्ट करना हो, जिसको बस लेना हो, जिसको शौक हो, कलेक्शन करना हो वो ले सकते हैं। अगर आपको वैल्यू फॉर मनी चाहिए गाइस, कि बस खेलना है, गेमिंग करनी है 4K में, तो आप PS4 प्रो की तरफ भी जा सकते हो। अभी अगर आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है PS5 की तो मत जाओ, PS4 प्रो ले लो सेकेंड हैंड, बढ़िया चलाओ मस्त। लेकिन जब PS5 का स्लिम मॉडल आता है, इसके बाद जो दूसरा मॉडल आएगा वो ले लेना, उसके लिए मैं कभी मना नहीं करूँगा, जा करके लो, फटाफट लो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी उसमें, क्योंकि इसमें जो भी प्रॉब्लम आएगी वो उसमें तो नहीं आएगी, इतना मुझे कन्फर्म पता है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है, और मैं भी देखूँ कि PS5 में ऐसा क्या है जो बढ़िया मज़ा आने वाला है। तो हमने लगा दिया वायर गाइस, और ये रहा हमारे पास वायर, इसको लगाते हैं PS5 में, ये हमने कर दिया अटैच, और बस आपको पता है बटन दबाना है, ये हमने बटन दबा दिया। और ये जो गाइस कलर है ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा आपको, दिखाई दे रहा है, ठीक है, मस्त बढ़िया। और हम इसको टीवी को भी ऑन कर लेते हैं, ये गाइस क्या मस्त बढ़िया सा लग रहा है हमारा PS5 गाइस, काफ़ी बढ़िया। चलो गाइस टीवी स्टार्ट हो जाए बस एक बार, भाई जल्दी आ जाए यार, स्टार्ट हो गया भाई, ये तो स्टार्ट भी हो गया, प्लेस्टेशन का लोगो रह गया यार, प्लेस्टेशन का लोगो रह गया, सॉरी, मज़ा तो आधा आएगा अब शायद। तो हमने कर दिया इसको HDMI पे, और HDMI तो मैंने लगाया ही नहीं, इतना ज़्यादा बिजी कि HDMI नहीं लगाया मैंने, ये लगा देगा मैंने इसमें HDMI, और ये आ गया हमारे टीवी में। आपको पता चल चुका है कि PS5 भी चलता है 1080p। तो गाइस देख सकते हो ये हो गया हमारा, ठीक है, बढ़िया कनेक्ट, और इसको हम निकाल भी सकते हैं, ये हो गया कनेक्ट। तो गाइस ये हो गया हमारा सब कुछ स्टार्ट, ठीक है गाइस देख सकते हो Fortnite चल रहा था अभी, इसमें मैंने Fortnite चलाया था, आप आ जाओ पास में और देखो गाइस, ठीक है, ये रहा गाइस Astro's playing.
Control center for sale, Alva. Astro's playroom. तो गाइस मैंने सब कुछ दिखाई दिया आप लोगों को, PS5 ऑन करके भी दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया क्या कैसे होने वाला है, ठीक है। तो यार जिसको भी चाहिए अवेलेबल हमारे पास है और सब कुछ मैंने बता दिया, PS4 लेना चाहिए या PS5 लेना चाहिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो यार लाइक करो वीडियो को और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है। चलो मिलते हैं ऐसे ही बहुत ही बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय।